अयाश बाबा लड़कियों ऐसा ही कहता था, मेरे पास सोओगी तू बुरे सपने नहीं आएंगे। इस प्रक्रिया ऐसा ही महिलाओं को वश में करता था। नई दिल्ली। आध्यात्म का चोला ओढ़कर पाखंड का प्रवचन देते हुए दिल्ली में अयाशी का आश्रम चलाने वाला बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग और अदालत की तरफ ऐसा ही जांच के लिए नियुक्त की टीम ने सोमवार को जब वीरेंद्र देव दीक्षित के करावल नगर और नांगलोई स्थित आश्रमों पर छापेमारी की तो कई और नई बातें सामने आईं। बाबा आश्रम की लड़कियों ऐसा ही कहा करता था कि उसके साथ सोने पर बुरे सपने नहीं आएंगे। इतना ही नहीं, बाबा आश्रम की साधिकाओं ऐसा ही कहता था कि वो जितना उसके नजदीक आएंगे वो उतनी ही लवली बनेगी। वहीं वीरेंद्र देव दीक्षित के इंदौर आश्रम ऐसा ही छुड़ाई गई एक नाबालिग पीड़िता ने बताया है कि बाबा के गुर्गे उन्हें एक पुदीना खाने को देते था जिसे खाने के बाद दिमाग काम करना बंद कर देता था। उसके बाद पहले बाबा फिर उनके गुर्गे बारी बारी सामूहिक बलात्कार करते था। विस्तार ऐसा ही जानिए पूरा मामला। मानव तस्करी में लिप्त होने की आशंका। DCW ने कहा कि इस आशंका ऐसा ही इनकार नहीं किया जा सकता कि दीक्षित मानव तस्करी का गिरोह चलाने में संलिप्त हो। आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त वकील अजय वर्मा की एक DCW टीम ने पूर्वी दिल्ली के करावल नगर और पश्चिमी दिल्ली के नांगलोई स्थित दीक्षित के आश्रम में रहने वाले लोगों ऐसा ही बातचीत की। DCW ने करावल नगर के आश्रम का हवाला देते हुए एक बयान में कहा, बाबा के विजय विहार रोहिणी और दूसरे आश्रमों की तरह यहां भी उसी हालत में 6 लड़कियां बंधक के रूप में मिली। यह आश्रम बहुत छोटा था, माहौल जेल जैसा था। इस तरह लड़कियों को वश में कर लेता था बाबा। करावल नगर छापेमारी के दौरान पता चला है कि बाबा भट्टी प्रक्रिया ऐसा ही लड़कियों का ब्रेनवॉश कर उन्हें अपने वश में कर लेता था। इस प्रक्रिया के दौरान सम्मोहित कर उन्हें स्वर्ग का टिकट